अक्षय तृतीया का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। शास्त्रों में अक्षय तृतीया एक अभोज मुहूर्त है, यानी ऐसी तिथि जिसमें किसी तरह का शुभ कार्य या शुभ खरीदारी करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। बिना शुभ मुहूर्त के सभी तरह के शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व और खास बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 3 मई को है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी विषय या नाश ना हो। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ खरीदारी या शुभ कार्य करने पर हमेशा इसमें वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने, दान, स्नान और जप आदि करने पर भी शुभ फल की कमी नहीं होती है। वहीं खास तौर पर अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सोने के आभूषण की खरीदारी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदने से व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव का वास रहता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पूरे एक वर्ष में उन 3.5 शुभ मुहूर्त में से एक, जिसे अभोज मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया की तिथि पर भगवान परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन उत्तराखंड स्थित श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। पंचांग के मुताबिक अक्षय तृतीया 3 मई मंगलवार को सुबह 5:39 से शुरू होगा और अगले दिन यानी 4 मई को प्रातः 7:32 तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त 3 मई को सुबह 5:39 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। अक्षय तृतीया को लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए प्रातः सुबह उठकर स्नान और ध्यान करें। पूरे दिन भगवान का चिंतन और मनन करें। आप इस दिन फलाहारी उपवास भी रख सकते हैं। अगर आप माँ अन्नपूर्णा को खुश करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को खाने की चीजें दान करें जो जरूरतमंद है। पुराणों में माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से जाता के घर में धन धाने की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी, देवी अन्नपूर्णा, भगवान विष्णु और परशुराम के इस विधि विधान से पूजा अर्चना कर जीवन में खुशियाँ और धन धाने लाएं।